गौशालाओं की भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर सुपा ज्ञापन। गुना जिले की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि नगर में संचालित 17 गौशालाओं को कितना खर्चा सरकार से दिया जाता है उसकी जांच हो, गौशालाओं की जमीन पर किए गए अवैध कब्जों पर कार्यवाही की जाए। नगर के ओवरब्रिज के पास बनी गौशाला सरस्वती शिशु मंदिर द्वारा संचालित हो रही है, उसकी भी जांच कराई जाए। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने वालों में मनोहर मेरोठा, जिला सचिव लक्ष्मी नारायण, नामदेव योगेंद्र शर्मा, कल्याण सिंह लोधी, सुनील कुशवाहा आदि मौजूद रहे। गुना से आर के शर्मा की रिपोर्ट। बताइए क्या मामले को लेकर आज आप जन सुनवाई में आए? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला गुना की तरफ से पूर्व में हम 22/11 को एक आवेदन हमने दिया था, जो शहर के बीचों बीच व्यस्ततम जो इलाका है वहाँ गौशाला के नाम से जो आवंटित है उस पर आज गौशाला न चला कर वहाँ व्यावसायिक काम किया जा रहा है, उस पर स्कूल चलाया जा रहा है, स्कूल से मोटी फीस वसूली जा रही है, दूसरी ओर एक कोई प्रेस पेपर का कार्यालय संचालित है और उसको राजनीति का काड़ा बनाया हुआ है, उसको लेकर के आज हम लोग यहाँ आए हैं। दूसरा सवाल और दूसरा जो हमारी मांग है वो ये है कि गुना जिले के अंदर लगभग 17 से भी अधिक गौशालाएँ संचालित है जो प्रदेश सरकार या जिला प्रशासन से आर्थिक सहायता प्राप्त करती है, उनको एक मोटी रकम मिलती है गायों को पालने के लिए, और लेकिन वहाँ गौशालाओं में गायें नहीं हैं, अगर हैं तो वो सुरक्षित नहीं है, पर वो राशि लगातार ले रहे हैं, फ़ायदा ले रहे हैं। इसको लेकर के हमने कलेक्टर महोदय से मांग की है कि आप उचित कार्रवाई करते हुए एक तो इनकी जांच कराएं और जांच में जो गलत पाए जा रहे हैं तो उनसे एक तो वसूली की कार्रवाई की जाए और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। दूसरा जो पहला हमारा सवाल था उसको अतिक्रमण मुक्त कराने का, उसको कराया जाए। मैं मनोहर, जिला सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट।